हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो दोस्तों, कैसे हो आप सभी? आई होप आप सभी ठीक होंगे एंड BTS के सॉन्ग्स को एंजॉय करेंगे। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे हमारे BTS वी की आइडल टाइप के बारे में, कि उनको कैसी लड़कियां पसंद है एंड वो इन फ्यूचर कैसी लड़की को प्रेफर करेंगे मैरिज के लिए या अपनी गर्लफ्रेंड बनाने के लिए। बट ये वीडियो होने वाली है पार्ट 7। इससे पहले मैंने पार्ट 1 से लेकर 6 तक ऑलरेडी अपने चैनल पर अपलोड कर दिया है। सो, अगर आपने वो वीडियोस नहीं देखे तो आप डिस्क्रिप्शन में चेक कर सकते हो, मैंने सभी के लिंक दे दिए हैं। क्योंकि उन वीडियो में मैंने बहुत सारी वी की ऐसी चीज़ें बताई हैं जो चाहते हैं वी कि वो उनकी आइडल गर्ल में हो, जिससे वो इन फ्यूचर शादी करेंगे या फिर उस गर्ल से डेट करेंगे। इवन मैंने उन वीडियोज़ में ये भी बताया है कि वी किसी आर्मी को डेट कर सकते हैं या फिर नहीं। कुछ टाइम से बहुत सारे लोगों का कमेंट एंड मुझे इंस्टाग्राम पर भी DM आ रहा था कि दी वी की आइडल टाइप पार्ट 7 लेके आओ, तो इसीलिए मैं स्पेशली उनके लिए ये वीडियो बनाया है। और अगर आपके भी बायस वी हैं तो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग वीडियो होने वाली है, क्योंकि इस वीडियो के थ्रू आपको वी की आइडल गर्ल के बारे में जानने को मिलेगा कि वी को कैसी लड़कियाँ पसंद है। एंड इस वीडियो में मैं आप लोगों के जो भी डाउट्स हैं वो मैं क्लियर करूँगी, क्योंकि मैंने आप लोगों के कंटिन्यूस बहुत सारे क्वेश्चंस आ रहे थे वी के आइडल गर्ल को लेके। सो, इस वीडियो में मैं सारे क्वेश्चंस जो भी आपके क्लियर कर दूंगी। ओके दोस्तों, सो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले, अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं करा है तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को और पे प्रेस कर लें, ताकि मेरी कोई भी वीडियो आता आपके पास नोटिफिकेशन के थ्रू सबसे पहले पहुंच सके। एंड साथ ही लिंक डिस्क्रिप्शन में है, इंस्टाग्राम को फॉलो करना बिल्कुल भी मत भूलना, क्योंकि वहाँ पर मैं आपसे पर्सनली BTS के बारे में बात करती हूँ। ओके, सो इसी के साथ चलते हैं हम अपने वीडियो की तरफ। सो सबसे पहले तो वी ने अपने आइडल गर्ल को लेके बोला कि उस गर्ल की जो एज है ना, वो मेरे से ना ही ज़्यादा बड़ी होनी चाहिए और ना ही ज़्यादा छोटी होनी चाहिए। तो मैं आपको बता देती हूँ कि उस गर्ल की एज कितनी होनी चाहिए। उस गर्ल का बर्थ डेट 1990 से 1999 तक होना चाहिए। बट साथ ही वी ने एक और बात कही कि अगर वो गर्ल मुझे बहुत ही ज़्यादा पसंद आ जाती है, वो मेरी आइडल गर्ल की तरह है, तो मैं उस गर्ल की एज नहीं देखूँगा, मेरे लिए एज मैटर नहीं करता है। सो अगर कोई भी गर्ल मेरे को पसंद आ जाती है तो मैं उसके एज नहीं देखूँगा, बस मैं उसको प्रेफर ज़रूर करूँगा। सो अब आपको ये तो क्लियर हो ही गया होगा कि उस गर्ल की एज कितनी होनी चाहिए। ओके, सो नेक्स्ट वन इज़, सो दोस्तों, अगर आप भी वी की आइडल गर्ल की तरह बनना चाहते हो तो आपको एक चीज़ तो मालूम होनी ही चाहिए कि हमारे वी को जो बच्चे हैं बहुत ही ज़्यादा अच्छे लगते हैं एंड वो बच्चों के साथ बहुत ज़्यादा इंजॉय करते हैं एंड बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल फील करते हैं। सो इसी से रिलेटेड वी ने ये चीज़ बोली कि उस गर्ल को भी, जिसको मैं प्रेफर करूँ, उस गर्ल को भी बच्चे पसंद हो, वो बच्चों को कभी भी अवॉइड ना करे, वो बच्चों को हमेशा पसंद करे, उनसे प्यार करे। इसी से ही रिलेटेड वी ने ये भी चीज़ बोली कि मुझे फ्यूचर में 5 बच्चे चाहिए, 4 बॉयज एंड 1 गर्ल। अगर नहीं होता है ऐसा कुछ तो मुझे 2 बॉयज़ एंड 1 गर्ल तो ज़रूर ही चाहिए। ये बात मैंने वी की जो आइडल गर्ल वाली वीडियोस है बाकी उनमें भी बताया था, बट इस वीडियो में मैं आपको ये डिफरेंट बताती हूँ कि वी ने ये चीज़ बोली कि मुझे एक ऐसी गर्ल चाहिए जो कि अगर वो मेरे बच्चों को ध्यान नहीं रखती है तो मुझे बिल्कुल पसंद नहीं आएगा। वो मेरे बच्चों का ध्यान रखे, वो मेरे बच्चों की केयर करे, जिस तरीके से मैं अपने बच्चों से प्यार करूँ उसी तरीके से वो मेरे बच्चों को भी बहुत ज़्यादा प्यार करे एंड उनका ध्यान रखे। एंड अपने फ्यूचर किड से रिलेटेड वी ने एक और चीज़ बोली कि मैं चाहता हूँ जो भी बच्चे मेरे फ्यूचर में हो वो BTS के अदर मेंबर के भी जो बच्चे हो उनके साथ अच्छा रिलेशन बना सके, अच्छा बॉन्ड बना सके एंड वो सभी साथ में डिनर करे, लंच करे, तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा। सो अगर आप भी वी की आइडल टाइप की तरह बनना चाहते हो तो आपको ये वी का जो ड्रीम है उसके बारे में पता होना चाहिए कि वी अपने फ्यूचर किड से क्या चाहते हैं। ओके, सो नेक्स्ट वन इज़, सो नेक्स्ट वी ने बोला कि मुझको एक ऐसी गर्ल पसंद है जिसके मोनोलिड्स एंड डबल आईलेट्स हो, तो वो मुझे गर्ल्स बहुत ही ज़्यादा अच्छी लगती है एंड काफ़ी ज़्यादा अट्रैक्टिव भी लगती है। सो मैं चाहता हूँ कि जो मेरी आइडल गर्ल हो, जिसको मैं पसंद करूँ, उसको भी मोनोलिड्स हो तो काफ़ी अच्छा रहेगा। सो मुझे आप भी बताना क्या आपके भी मोनोलिड्स हैं या नहीं। ओके दोस्तों, सो नेक्स्ट वन इज़,
तो दोस्तों यहाँ पर मेरी एक प्यारी सी सब्सक्राइबर ने मेरे से क्वेश्चन करा था कि दी फी को डार्क स्किन कलर वाली गर्ल्स पसंद है या फिर फेयर स्किन वाली कलर्स। तो मैं यहाँ पर उनका डाउट क्लियर करती हूँ कि जब एक इंटरव्यू में वी से क्वेश्चन करा गया कि आपको डार्क स्किन कलर वाली गर्ल्स पसंद है या फिर फेयर स्किन कलर वाली गर्ल्स, तो इस पर ना वी ने थोड़ा सा मुस्कुराते हुए जवाब दिया कि हमारे कोरिया में क्या होता है ना कि जो फेयर स्किन कलर वाली गर्ल्स होती है उनको बहुत ही ज़्यादा अच्छा माना जाता है। सो इसीलिए वी ने बोला कि मैं इसलिए चाहता हूँ कि जो भी गर्ल मेरी लाइफ में आए वो फेयर स्किन कलर वाली गर्ल हो, डार्क ना हो। सो वी ने साथ ही ये भी चीज़ बोली कि ऐसा नहीं है कि मुझे डार्क स्किन कलर वाली गर्ल्स बिल्कुल भी नहीं पसंद है, मुझे पसंद है बट क्या है ना कोरिया में पसंद नहीं करते हैं। बट वी ने साथ ही ये भी चीज़ बोली कि अगर मुझे कोई गर्ल पसंद आ जाएगी सो मैं उसका डेट ऑफ बर्थ हो या फिर उसका स्किन कलर हो ये सब मैं कुछ भी नहीं देखूँगा। तो दोस्तों यहाँ पर मैं ना एक बात बोलती हूँ कि आप जैसे भी हो ना आप बहुत अच्छे हो, आप ना अपने आप को चेंज करने की कोशिश बिल्कुल भी मत करो। हाँ आप अच्छी चीज़ें चेंज कर सकते हो, लाइक आप कोरिया सीख सकते हो, आप अपने सक्सेस पे ध्यान दे सकते हो ताकि आप BTS से मिल सको, बट आप नेगेटिव चीज़ों को ऑब्जर्व मत करना। आपसे जो चीज़ नहीं हो रही है उसको आप फोर्सफुली अपने आपको चेंज करना बिल्कुल भी मत, क्योंकि आप जैसे भी हो ना आप बहुत अच्छे हो, आप बहुत ही प्यारे हो। ओके ओके दोस्तों, सो इसी के साथ आगे बढ़ते हैं। सो नेक्स्ट वन इज़ जो वी ने बोला कि वो गर्ल तो ऐसी ज़रूर होनी चाहिए जो मेरी केयर करे, मेरी रिस्पेक्ट करे। सो ये सारी बातें तो मैंने वी की जो बाकी सारे पार्ट आइडल टाइप के उसमें मैंने बता ही दिया था। सो नेक्स्ट जो मेरी एक प्यारी सी सब्सक्राइबर है उसने मुझे इंस्टाग्राम पर DM करके पूछा, वो पाकिस्तान से थी तो उनका सवाल ये था कि क्या वी किसी पाकिस्तानी गर्ल को प्रेफर करेंगे या नहीं। तो मैं आपको एक बात बता दूँ कि ये बात मैंने वी की जो आइडल टाइप वाली और भी वीडियोस है उसमें भी बताया था कि वी को अगर कोई गर्ल पसंद आती है तो वी उस गर्ल की नेशनैलिटी बिल्कुल भी नहीं देखेंगे कि वो कोरिया से है या इंडिया से या फिर पाकिस्तान से है, तो ऐसा कुछ भी नहीं देखेंगे। ऐसा ही क्वेश्चन मेरे से एक और इंडियन आर्मी ने पूछा था कि दी वी इंडियन गर्ल से शादी करेंगे या नहीं करेंगे, एंड वी कभी इंडिया तो आए ही नहीं है तो उनको गर्ल कैसे पसंद आएगी। तो मैं आपको एक बात बता दूं कि जो BTS है ना वो पूरे वर्ल्ड में हर जगह घूमती रहते हैं, बट BTS अभी तक इंडिया नहीं आए हैं। बट जब भी BTS इंडिया आते हैं और वो यहाँ के लोगों को देखते हैं, यहाँ के गर्ल्स को देखते हैं, तो आई नो BTS वी को या फिर BTS के किसी भी मेंबर को कोई गर्ल तो ज़रूर पसंद आ सकती है, क्योंकि हमारे इंडिया की गर्ल्स भी कम थोड़ी है, हमारे इंडिया की गर्ल्स भी बहुत ही प्यारी एंड क्यूट है। सो BTS जब इंडिया आएंगे तभी इस बात का पता चलेगा कि वी को इंडियन गर्ल्स पसंद है या फिर नहीं पसंद है। ओके सो नेक्स्ट वन इज़, तो दोस्तों मेरे से नेक्स्ट क्वेश्चन ये पूछा गया दी वी किस एज में जाकर शादी करेंगे। सो मैं आपको बता दूँ कि ये वाली बात मैंने वी की जो और भी आइडल टाइप वाली वीडियोस है उनमें भी बताया था कि वी ने बोला कि वो 35 की एज के जब हो जाएंगे तब तो वो शादी के बारे में सोचेंगे एंड 35 की एज के बाद ही शादी करेंगे। सो उनका एक और क्वेश्चन था कि दी BTS मेंबर अगर पीट में है तब वो शादी करेंगे या नहीं करेंगे। सो मैं आपको बता दूं कि शादी तो ऑब्वियसली BTS करेंगे ही, बट जब तक BTS का कॉन्टैक्ट बिग हिट के साथ है तब तक शायद ही BTS शादी करे। तो दोस्तों ये सब तो फ्यूचर की बात है, वैसे भी ये सब तो फ्यूचर में ही जाके पता चलेगा कि वी 35 की एज पर शादी करते हैं या नहीं करते हैं, बट जो भी वी ने इंटरव्यू में शेयर करा था मैंने वो आपको बता दिया। ओके तो दोस्तों काफ़ी डाउट जो है आपके मैंने क्लियर कर दिए, बट अगर आपका अभी भी कोई डाउट है तो आप मुझे इंस्टाग्राम पर DM कर सकते हो, लिंक डिस्क्रिप्शन में है, वहाँ से जाकर आप इजीली मेरे इंस्टाग्राम पर आ सकते हो। एंड साथ ही अगर
आपने वी की आइडल टाइप पार्ट 1 से लेके 6 तक सभी वीडियोस नहीं देखे तो आप जाकर देख सकते हो, लिंक डिस्क्रिप्शन में, वहाँ से जाकर आप सारी वीडियोस देख सकते हो, क्योंकि उन सभी वीडियोस में भी मैंने बहुत सारी ऐसी चीज़ें बताई हैं जो आपको जानना जरूरी है अगर आप वी की आइडल टाइप की तरफ बनना चाहते हो तो। ओके, सो इसी के साथ चलते हैं और मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। तब तक टाटा बाय बाय एंड टेक केयर। एंड वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक जरूर कर देना एंड साथ ही बेल आइकन को और भी प्रेस कर लेना एंड सब्सक्राइब कर लेना। ओके, सो इसी के साथ चलते हैं और मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। तब तक टाटा बाय बाय एंड टेक केयर एंड बी सेफ गाइस। ओके।